उर्मिला माधवपुर गाँव में रोला ताखे गोटे पार नामक पालित गाई पार उर्मिला सहित बहुत वर्ष होला अछि। स्वामीर मृत्यु पर गाईर सहारा रही उर्मिला तार परिवार को चलेला। से गाईर क्षीर ही गाँव में प्रसिद्ध थिला। गाँव सबु लोक उर्मिला ठारु ही क्षीर नौले। उर्मिलार पुओ सहर से पाठ पढ़ुला सेठी ताकु पूनम नामक गोटे झील सहित प्रेम होगला आउ से निज माँ को किछि न कही पूनम सहित मंदिर रे बाहा होगला। आज से गाँ को बहुत दिन पर फेरुला। उर्मिला भौणी क्षीर आज 2 किलो दब मत आते 3 किलो कौन है कि भौणी आज तुम्हें बहुत खुशी जनापड़ खुशीर कथा ही होची भौणी आज मो पु गाँ को फेरुची बास जल्दी जल्दी काम सारी ताई भल भल खाइबा तैयारी करी चना ना सहर से कौन खावा मिलूब कौन मिलून। अच्छा यही कथा हौ हौ भल पु बिना एकुटिया रही रही तुम मन भी खराब हो गला आबे से आसिकले तुमको कम बहुत साज्य हो। हाँ सेटा तो ठीक। ओहो कहीं एमती होचु पारो मु जानी तू सूरज ना शुणी की भारी खुशी होचु भोक भी लगला रह मु चारा दौची तापर तो सूरज आसिकी दब। उर्मिला सहित तो पारो तार स्वर से कथा होता जमीती सी भी सूरजर बाट को अन बसी संध्या बेले सूरज आसीगला किंतु पुओ सहित तो बोहू को देखि उर्मिला को बहुत खराब लगला। मा मा तू जमा रागनी सब टिके जल्दी हला पूनम रो बापा को देह भलो नथिला आउ से चाहुतिले बाहागरटा बहुत शीघ्र हो जाउ सेइति पाई मा मु तते किछि कहि परलिनी एबे आमे तो सहित ही रहिबु आउ चिंता करनी आउ मा पूनम बहुत भलो स्वभाव रो पाठ पढुआ झियो तमे माने परस्पर सहित भलरे चलि परिबो। ठीक अछि मु देखिबि से केते बुझुचि मते गाँवें रहा सहर से रहा भितर बहुत फरक रे छुआ। उर्मिला परी पूनम घर काम किसी करपार नथिला कहीं घर काम ताको आसुन थिला। सूरज तमे मते कौ जगह को आनी छो मु घर काम करी परुनी चलो सहर को फेरी जीबा में से गाय गोबर को सफा कर ताको गाधी दियो चारा दियो घर पोछा पोछी कर ये सब करी गंधरे तुम मुंड खराब हो गला आपर तुम माँ को खाली माँ 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 डाकी डाकी पियाज रसुण जीवन सारा बस काटी केमतिया कथा हो तुम्हें पूनम ये तो बहुत भलरे काम दब चली तो बहुत जल्दी चिंता करी गोटे डेरी खोलि क्षीर पनीर दही आउ कि मिठार बहुत भल डेरी खोली पारि भल रोजगार हो बहुत खर्च बार्च खाइबा पीवा भड़ा आईटी मत काम सेट करने वर्ष वर्ष लगे आउटी मोर निज घर अच्छी कम अच्छी सहर जाए कौन करी तुम्हें जान आम गाईर क्षीर पूरा गाँव में प्रसिद्ध भाव केते रोजगार हम आम ये रही माँ को भी सहारा हम सी बिचरा एकुटिया काम संभा पार ना। अच्छा तमे काम कर मुटिके बजार रु जाई आसे। सूरज तो ठीक ही कहते सहर से कम कले टा बहुत दरकार हम ये तो निज घर निज काम अच्छी आमको तो टा रोजगार करार जहाँ मतलब भल टा टे मिलगले परे सहर जा सेटल हो किंतु मत कौन भी प्रकार शाशु माँ ठू दूरे बार अच्छे जमी से गाईटा मोर हो छा नहीं माँ तो बहुत चालाक केते टंका निज पाखे रखी थे। पूनम जानी कि सूरज गाँव में ही काम बढ़ेब तेणु से अलग हबार रास्ता खोजुला। सूरज घर सब कम कर थकीगले मुसवापर माँ तो सबकि मोपर नदीदे गाई को गाधेबा चारा दबा गोबर सफा करवा गाईर सबू दायित्व तो मु नौची आउ क्षीर बिक्री कला बेले माँ निजे बाक्स धरी बसी पड़ुंट एमती कौन चल मु जमा सही पारुनी आदि मुझे कम करुच्ची मु अलग भी माँ सहित रही हाँ से गाई भी मोर मत तुम बांटी दियो खाली से गाईटा को दि। पूनम एत जोरे चित्कार कर उर्मिला सहित सब गाँ लोक भी से जगह को आसिले आई कथा शुणिले बहु बांटू ता भी मो पार को मु बची था एमती हबनी आउ तू के जाचु पारो विषय मुझे बहुत छुआटी बेलू पाचे स्नेहरे जत्न नहीं तू गोटे दिन मो पार को खाली रखिकी देख से तो सहित गोटे दिन भी रही रे माँ। हाँ हाँ मुई गाईर जत्न नहीं जीवि तुम्हें आ चिंता करनी माँ किंतु गोटे सर्त मझे तुम जमा पशन मुझे जो भाईर जत्न ने तुम ताठ दूरे सूरज आज जदि भागवांट ये तेबे मु तुमको छाड़ी सहर को चली जीवी
मा जदि पूनम चाहूची तमे गाईटा दे दउनो काहीकि ताकु थरे चेष्टा तो करबाकु दियो एमिति न हो तम दिजनक झगडा रे मु विवाहित जीवनटा खराब हो बाबा रे को मा चाहेनी ता पुअर संसार भांगु सेथि पाई झगडा न करी बहु जदि चाहूची पारकु रखिबाकु से रखु भौणी उर्मिला आमे जतिकि देखिछु तमे पारकु बहुत स्नेहरे छुआ भळी पाळिछ एमिति पाप करनी तम ए भगवानटरे से निरीह पशु रखिछि असुविधा न हो सब गाँ लोक कौन भी बुझेई थांते पूनम तो भगवानटरु जिद्दी करथिला आउ एमिति ही हेला गाई एबे संपूर्ण भाबे पूनम र थिला सूरज गाँ रे डेरी खोलिबा पई शहर को सेठी चली गला पूनम तो अळसुआ से गाई प्रति दायित्वहीनता आरंभ कला से सकाळ उठि ना गाय को सफा करूला ना तार गोबर को सेठ सफा करूला आउ ना ताको समय रे चारा दउथिला सेथिलागी गायर आखपाखरे पोक लागिले मसा माछी सब हवा द्वारा गायर देह खराब हेला ताको ठीक समय रे खाइबा न देबा कारण से दुर्बल होई पड़िला पूनम रा सबुदिनिया काम एबे केवल खाइबा आउ सोइबा गाय खीर देबा भी बंद कर देला दिने गाय अचेत हेकि तळे गळी पड़िला पूनम बहुत डरी गला सूरज सेही समय शहर रु आसिला आउ से भी बहुत डरी गला से उर्मिला को डाक पकेला आ उर्मिला दौड़ी दौड़ी आसिला आ पारो को धरिला आ ताको धरी बहुत कांदिला पारो हुटु मु तते डाक पकोजी पारो पूनम पारो रो रिस्पांसिबिलिटी तमे नेइतलो ना अवस्था एमति केमति हला मते क्षमा करो सूरज भूल होची मोर मो जोगु पारो रो अवस्था छे एमिति मु सतरे मा भळी पारो रो जत्न नै पारलिनी मा मते क्षमा करो उर्मिला दौड़ी दौड़ के गला और चारा नहीं कि आसिला आउ पारो आगरे से थोईदेला पारो को उर्मिला हाथर स्पर्श मिलला परे से टिके उठिला एहा देखि सब खुशी होई गले उर्मिला निज हाथरु पारो को चारा खोइला पारो खुशी रे बहुत चारा खाइदेला जेमिति से बहुत समय उर्मिला हाथरु ही खाइबा को चाहूथिला पारो निज भूल बुझी पारिथिला आउ से उर्मिला को क्षमा मध्य मागिला किछि दिन परे पारो पुणी थरे ठीक होई गला एबे सूरज भी गाँव में गोटे बड़ डेरी खोली थिला। धीरे धीरे सब किछि ठीक है गला। आउ दुई जना सासु बहु मिसी पारो को बहुत स्नेहरे जत्न करुथिले पारो भी एबे बहुत खुशी थिला। सीमार सांग रीमार बाहाघर जयपुर रे होइथिला बाहाघर पर रीमार कॉल आसिला हेलो सुहानी रीमा कहुछि मु रीमा केमती अछु बाहाघर पर त मते पूरा भूली गलु जयपुर रो पागो केमतिया सुहानी मो जयपुर नाई दिल्ली रे अच्छी बाप घरे सेथिपाइन तो ते कॉल करी छी तो सहित देखा करिया को बहुत इच्छा थिला कौन तू दिल्ली आसीचु रह मु किछि समय रे तो पाखरे पहुंचु छी सीमा रीमा को देखा करबा को गला किंतु ता ससुर घर कथा सुनी से पूरा पूरी डरी गला कौन तते सासु घरे एत्ते काम करबा को पड़ु छी तो नहले कौन बाहा घरे पर तो मो लाइफ टा पूरा डाउन हे जाई छी से ही सकाळ 5टा रे उठ पुणी से घर काम आरंभ कर दिन सारा सासु ससुर ननंद को कथा सुण एत्ते काम कला परे भी दीटा खुशी रे के कथा हेबेनी सबु जिनस रे बारण करहबो मो सासु तो एमितिया पूरा समय मो पछरे पड़ी थांती किछि समय पई जदि फोन धरि कि बसिबी 10टा कथा कहिबे जे तू फोन रे बसछु किछि काम करनी एत्ते फोन धरिबा भलो नुहे एत्ते टीवी देखिया भी भलो नुहे मते तो कथा सुणी कि डर लागिलानी कौन सासु घर एमती थाए से तो मुगर भावुली बाहा हेले मजा करी स्वामी सहित बुलबि होटेल खाइबी पिक्चर देखी आईटी टी साहस अच्छी ना बाहर टिके डाली नहीं आसवाक जिते बड़े देख माई कथा कहते हैं घरे बना बो घर खाइबा देहपाई भल होटेल को भी जीवा दौना आ छड़ा नणंद आ पड़सा घर लोक सबूत आम घरे थे जिते बड़े देख मो सासु खाली मत हुकुम दौ बोहू यहीटा करदे बोहु सेटा करते मु बोहु कम चाकराणी हेई गोलेनी जाय कि से सासु घरे मु हां मते तो कथा सुणी कि सत्रे डर लागिलानी सासु घर को गले केते जे टेंशन रीमा मो पखेर जति थांदा मु सासु घर जांदेनी चल पागली सबु छियो को दिने ना दिने बाहा हे कि निज सासु घर को जीवा को ही पड़िबो आ तू तो आंटी अंकल दी जण को ही जानिचु आ खाली 6 मास जाऊ से तो बाहागरटा भी करदेबे एबे तू भी रेडी हे जा सासु घर जाए ये जिनस सब करबा को रीमा कथा सुनी सीमा बहुत डरी जाईथिला से तो मनस्थाप करथिला से आ सासु घर को जीवनी किंतु ता मां बापा ता पाए पुओ खोजी सारथिले छियो सुहानी तते केते पुओ देखेलेनी हले तते को पुओ पसंद काई क्या सुनी काली मिस्टर वाटियांकर पुओ आसथिला तांको पुओ तो देखियो सुंदर थिला आ तारो काम भी भलो हले तू ताको बाहागर पाए मना काई की करतेलु
ମାମି ମତେ ବାହାବାର ନାହିଁ। ରିମା କହୁଥିଲା ବାହାଘର ପରେ ଜଲ୍ଦି ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ତ ମୁଁ 12 ଯାଏଁ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ତମେ ମତେ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଅ, ଆଉ ମତେ ଡର ବି ନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ମତେ ଉଠଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ବି କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ତ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଏକୁଟିଆ ହେଇଯିବି। ଏମିତି ନଥାଏ ରେ ଝିଅ, ଶାଶୁଘର ହିଁ ଝିଅର ପରିଚୟ, ଆଉ ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜର କରିବାର ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତିଆ ଦିନ ବି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତତେ ଡାକୁଥିବି, ଆଉ ତୁ କହିବୁ ମମି ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ପରିବାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଜାଣିଛୁ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ନା ମମି ମତେ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଦେଲି ନା ମତେ ବାହାବାର ନାହିଁ, ଭାଇ କେବେ ନା ମୁଁ ବାନ୍ଧି ରହିପାରିବିନି। ସୁହାନି ଝିଅ କୋଉଠି ଅଛୁ, ଜଲ୍ଦି ଆ, ଏଇ ଦେଖେ ତୋ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଆଣିଛି, ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଶୋଇକି ଉଠି ଯାଇଥିବୁ, ଆଠୁ ଭଲ ଆଉ ଜଳଖିଆ କ'ଣ ହବ, ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁ ଆଉ ଖାଇଦେଇଟା। ଦେଖିଲ ତ ମମି ଏଇଠି କେତେ ତମେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛ, ମୁଁ ନ କହିଲେ ବି ମୋ ଜିନିଷ ଆଣିକି ରଖିଦେଉଛ, ଏଇଟା କ'ଣ ସେଠି ହବ, ମତେ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାର ନାହିଁ। ବାପା ମମିଙ୍କୁ କୁହ ନା ମତେ ଏବେ ବାହାବାର ନାହିଁ, ମତେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ବାହା ହେଲେ ନ ହଉ, ହେଲେ ଥରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁଦର୍ଶନ ଯିଏ ଏଇଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଗନ ସହିତ ଦେଖା କରିଦେ, ଆଉ ଯଦି ପୁଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି ସେଇ ସମୟରେ ମନା କରିଦେବୁ। ସୁହାନି ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ମାନିଗଲା, ଆଉ ପୁଅ ଘର ଲୋକ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଝିଅ ସୁହାନି କାହିଁକି ଏତିକି ଡରୁଛୁ, ଆମକୁ ତ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆମର ପସନ୍ଦ, ଆମେ ତ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। ସୁହାନି ଗଗନ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସୁହାନି ତମେ ଏତେ ଡରୁଛ କାହିଁକି, ତମେ ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ତମେ ମତେ କହିପାରିବ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତଳକୁ ଯାଇକି ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେବି। ନା ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ସବୁ ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଶୋଇକି ଉଠନ୍ତି? କ'ଣ ଇଏ କେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ସୁହାନି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେନି ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ହଁ କହିପାରିବିନି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 8 ବେଳେ ଉଠେ। ଏବେ ସୁହାନି ଗଗନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେ ସୁହାନିର ମା ଡାକିଲା, ଝିଅ ସୁହାନି ତତେ ତୋ ବାପା ତଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସୁହାନି ତା କଥା କହିଥାନ୍ତା ଯେ, କିନ୍ତୁ ସୁହାନିର କୌଣସି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତର ହିଁ ସେ ପାଇପାରିବନି। ପୁଅ ବି ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ସୁହାନି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଘରକୁ ହିଁ ବାହା ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଝିଅର ମା ବାପାଙ୍କୁ ବି ପରିବାର ନେଇ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ସବୁକିଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଲା, ସୁହାନିର ବାହାଘର ଗଗନ ସହିତ ସ୍ଥିର ହେଲା, ବାହାଘରରେ ରିମା ବି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲୁ ବହୁତ କହୁଥିଲୁ ନା ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବୁନି, ଦେଖିଲୁ ତ ବାହା ହେଇକି ଶାଶୁଘର ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଶିଲୁ, ଏବେ ଦେଖିବୁ ତୋ ରାତିର ଶାନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଆଉ ଦିନର ସୁଖ କେମିତି ଉଡ଼ିଯିବ। ରିମା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବହୁତ ଡରିଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ମୋ ଘରେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚିଲି, ଆଜି ମୋ ବାହାଘର, ଆଜି ମୋତେ ଆଉ ତୁ ହଇରାଣ କରନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଥଟା ମଜା କରିବିନି, ତାହେଲେ ଆସେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ତ ଉଠା। ସୁହାନି ଜଣାନାହିଁ ମନରେ କେତେ ଡର ନେଇ ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ମନରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲୁଥିଲା ଯେ ତା ଶାଶୁଘରେ ସେ କେମିତି ଚଳିବ। ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ତା ମା ବାପା ଆଖପାଖରେ ନଥିଲେ, ନୂଆ ଚେହେରାରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର 2 ଥିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସୀମା ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମିଠା ସ୍ୱର ତା କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସୁହାନି ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ସରି ମମି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସକାଳ 5 ଉଠିବାର ଅଛି, ବାହାଘର ପରେ ଶାଶୁଘରେ ସକାଳ 5 ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଆଲାର୍ମ ଲଗେଇକି ଶୋଇଥିଲି। ଆରେ ଝିଅ ଏତେ ଡରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଚା ଆଣିଥିଲି। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଝିଅ, 5 ନୁହେଁ 10 ବାଜିଲାଣି, ମତେ ଲାଗିଲା ବାହାଘରରେ ପୁରା ଥକି ଯାଇଥିବୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗରମ ଚା ନେଇ ଆଇଲି। 10 ବାଜିଲାଣି, ଆଉ ମମି ମତେ ଉଠେଇଲେନି? ରିମା ତ କହୁଥିଲା ତା ବାହାଘରରେ ତା ପରଦିନ ହିଁ ଶାଶୁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ସକାଳୁ, ସବୁ ଓଲଟା ପାଲଟା ହଉଛି। ସୁହାନି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସୁହାନି ଯା ମା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିବୁ, ଦେଖୁନୁ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜିଲାପି ଢୋକଲା କ'ଣ କ'ଣ ଯେ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଥୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ଜଳଖିଆରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଆଳୁ ପରଠା ବନେଇଥିଲି, ଏବେ ଏଇସବୁ ତତେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ପତଳିଟା ତୁ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ଯାହା ବି ଖାଇବୁ ନିଜର ଘର ସବୁକିଛି ଖୋଲା ଅଛି, ତୁ କିଛି ବି ଖା, ଏଇଠି ତତେ କେହି ଅଟକେଇବାବାଲା ନାହିଁ, ଇଏ ତୋର ନିଜ ଘର। ମୁଁ ଶାଶୁଘରକୁ ନେଇ କେତେ କ'ଣ ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ଆଉ ଶାଶୁଘରକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ତ ଗୋଟେ ଝିଅର ହାତ ରହିଥାଏ, ଏହି କଥା ମୁଁ ବୁଝିସାରିଲିଣି। ମୁଁ ରିମାକୁ ବି ବୁଝେଇଦେବି ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ନିଜ ଘର ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ସୁହାନି ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା, ଶାଶୁଘର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଡର ଥିଲା ଯାହା ରିମା ତାକୁ କହିଥିଲା ସେଇ ଡର ଆଉ ନଥିଲା।
ସୁହାନୀ ରୀମାକୁ ବି ବୁଝେଇଲା ନିଜ ଶାଶୁଘରକୁ ସେ ନିଜ ଘର ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁ, ତେବେ ତାକୁ ବି ସ୍ନେହ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। Thanks for watching.